हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 8 ऑनलाइन स्टडी. स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी डिस्कस अबाउट द नेचर्स क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज अ इक्वल. इसके हमने दो पार्ट देखे हैं कि अशंगम भी जो कुछ भी है, अशंगम भी जो लेडीज है वो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, उसकी फैमिली के बारे में, उसका जो कुछ भी घर है उसके बारे में जानकारी दी है कि कैसे उसके पति उसके हर एक काम में उसको सपोर्ट करते हैं और घर में भी सपोर्ट करते हैं और बाहर में भी. एक लॉयर होने की वजह से बाहर भी उनके महिलाओं के प्रति कैसे धोरण है और कैसे उनको न्याय दिलवाना है, कैसे उनके प्रति हमें जागरूक रहना है. कोई भी कम नहीं है, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी किसी भी काम में कम नहीं है, ऐसा उनका मानना है. और इसी के आधार पर ये लेसन है हमारा. तो हमने सेकंड पार्ट में यहाँ तक देखा था बच्चों, पेज नंबर 32. अब देखेंगे कि शोइंग डीप अफेक्शन अशंगम भी कंटिन्यूस पायनियर वुमन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ वुमन विथ मैन. एक्चुअली लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वुमन एंड मैन. देखो, अशंगम भी उसके पति और बच्ची जो कुछ भी लेंथोई उनकी बेटी है तो वो बात कर रहे थे, तो अशंगम भी उसको सपोर्ट करते हुए बोल रही थी कि कोई एक से जिंदगी चल नहीं सकती, तो जितना इम्पोर्टेंस मैन का है उतना ही इम्पोर्टेंस वुमन का भी है, तो दोनों में फर्क नहीं हमें करना चाहिए. लेंथोई हैज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पायनियर वुमन. पायनियर वुमन, सो पायनियर, द मीनिंग ऑफ पायनियर मीन्स अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू टेक अप अ कॉज स्पेशली इन अ न्यू रीजन. किसी भी क्षेत्र में अपना पहला जो हिस्सा रहता है तो पायोनियर वुमन, तो उसको पायोनियर वुमन कहा गया है कि कोई भी कम नहीं है. हर ग्रैंड मदर हैड नरेटेड मेनी स्टोरीज ऑफ द ब्रेव क्वीन लाइक क्या है ये लिथोई गंबी एंड कुरान गयान यानी. देखो यहाँ पर थोड़े से नाम अलग है, हमारे इधर के थोड़े से अलग रहते हैं. तो ये जो है इनके बारे में, ये ब्रेव लेडीज थी तो इनकी स्टोरीज भी इनकी ग्रैंड माँ सुनाती थी. हु वेयर एज ब्रेव एज किंग, एक राजा के समान ये दोनों महिलाएं थी. देयर वेयर ऑल्सो मेनी ब्रेव वुमन अमंग द कॉमन पीपल. हमारे इसमें भी समाज में जो सामान्य लोग है उनमें भी बहुत होशियार वुमेन्स रहती है. दीज वुमेन्स As her grandmother narrated, were makers of home, family, society and the nation. अब घर पे जो रहती है वो क्या करती है, इनडायरेक्टली घर को चलाती है, फैमिली बनाती है, फैमिली से बाद में फिर सोसाइटी होती है और सोसाइटी से बाद में नेशन होता है. तो सबसे जो पहले फर्स्ट आता है तो वो वुमन का रोल आता है हमारे घर में भी. दे वेयर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस. सिविलाइजिंग मीन्स व्हाट, एजुकेटिंग, क्या करती है वो शिक्षित करती है. शिक्षा का प्रसार भी घर से ही होते हो, इसमें अब संस्कार भी आते हैं हमारे, वो भी एक शिक्षा का ही भाग है. एट द सेम टाइम दे वेयर ऑल्सो एडवेंचर्स हु क्लेम्ड देयर शेयर्स इन फ्री लैंड, प्लग एंड रेज्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रू कैटल. मॉडर्न वुमन हैव बिकम माउंटेनियर्स, नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स. दिस प्रूव्स दैट देयर इज नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू एंड ऑल्सो दैट वुमन एंड मैन वेयर क्रिएटेड एज अ इक्वल. देखो, अब पहले के जमाने में महिलाएं क्या करती थी, खेत में जाकर हल चलाना, खेती बाड़ी करना, इसमें अपने पति का साथ देती थी. पर आपके मॉडर्न जमाने में, अब आधुनिक जमाने में क्या है, बहुत सारी महिलाएं क्या है, कोई गिरियारोहक है जैसे माउंटेनियर का है, नेचुरलिस्ट है, एस्ट्रोनॉट्स है, साइंटिस्ट है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में अपना हिस्सा जमा चुकी है. तो इससे यहाँ पर प्रूव होता है कि वुमन एंड मैन वेयर क्रिएटेड एज इक्वल, दोनों को सही ही बनाया है. नेक्स्ट पैरा देखेंगे इसका. देन शी आस्क हर मदर फॉर द मदर, यू हैव थ्रोन लाइट ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन एंड ऑल्सो हैव एम्फसाइज दैट द वर्ल्ड इज स्टिल एन अनइक्वल वर्ल्ड. देखो, अपनी मम्मी को लेंथोई कह रही है कि आपने जो कुछ भी फोकस किया है मैन एंड वुमेन के जो कुछ भी जो समानता है उसके ऊपर आपने फोकस किया है, तो ये सारे जग में सेम है क्या? देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो इफ देर इज अ
There are moral, social, and legal provisions to enable women to express their physical and mental potential and to set themselves free from suspension. Amazed at the curiosity of her daughter, Ashangambi adds. देखो बाद में इसमें बहुत सारे अच्छे यहाँ पर बातें कही गई अशंगम्बी ने. There are many under the agents of the United Nations. There is a declaration for a new world of equality. It has the following dimensions. देखो जो कुछ भी समान अधिकार है समानता के बारे में यहाँ पर बहुत सारे नेशंस ने भी यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है इसके ऊपर कुछ ना कुछ डायमेंशंस और इसमें मैं डायमेंशंस एस्पेक्ट्स सम एस्पेक्ट्स ऐड हियर. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विंग इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन. शिक्षा और आरोग्य के प्रति सभी में समान समानता है. इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. जो कुछ भी राजकीय क्षेत्र में डिसीजंस रहते हैं इकोनॉमिकल उसमें भी इक्वली हिस्सा है. इक्वल रिवार्ड फॉर इक्वल वर्क एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब इतना देश सुधर गया है सारी वर्ल्ड इतनी सुधर गए है कि कोई कहां पे भी हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि लेडीज एंड मेन्स आर डिफरेंट. सो बोथ आर इक्वल. ये यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे एस्पेक्ट दिए है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको अप्रूव किया है. देन द मदर कंक्लूडेड माय डियर डॉटर वी कैन अफर्म अलोंग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल. लैंथोई अंडरस्टैंड व्हाट हर मदर मींस एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोजियम मींस. दिस कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रश आउट ऑफ द रूम इन द ब्रिंग ब्राइट मॉर्निंग सन. द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन. The small girl is always fascinated by the small trail which winds up the distance purple mountain. देखो इतनी सादगी के साथ इतनी सुंदरता के साथ बाद में इतना सारा होने की मम्मी ने जितना भी बताया महिला के प्रति जो कुछ भी है जो कुछ भी जागृति है प्रबोधन है जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं तो वो किया है और उसके थ्रू अब ये लेंथ हुई बहुत सारा इसको अंडरस्टैंड भी हो चुका है समझ चुका है कि क्या है एक्चुअली सिंपोजियम मीन्स वॉट क्या रहता है ये इक्वालिटी के बारे में. तो सारे खुले आसमान में वो अपना खुली सांस लेकर दूसरे दिन से अपने काम पे लग गए. तो देखो बहुत सारा बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया है कि कैसे वुमन को अपना अधिकार